हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी लाइफ। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के तूफानी रफ्तार के आगे बेगम जान की कमाई बहुत ही धीमी हो चुकी है, जिसके चलते बेगम जान की ओपनिंग बहुत ही अच्छी नहीं थी। जिस तरह से फिल्म को प्रमोट किया गया था उतनी अच्छी इसकी कमाई नहीं हुई, और बेगम जान की इस हालत का वजह माना जा रहा है दोस्तों हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस को बहुत बड़ा वजह माना जा रहा है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस 8 12 अप्रैल को रिलीज किया गया था, जबकि इसकी ओपनिंग फर्स्ट डे में ही लगभग इसने 8.5 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमा लिया था, जबकि सेकेंड डे भी इसने अपनी कमाई को लूज नहीं होने दिया, यानी कि 13 अप्रैल को भी इस फिल्म ने लगभग 14 करोड़ रुपए तक दोस्तों इसने कलेक्शन कर लिया था। थर्ड डे भी इसने अपनी कमाई को लूज नहीं होने दिया दोस्तों, जैसे कि 14 अप्रैल को जिस दिन को बॉलीवुड फिल्म बेगम जान को रिलीज किया गया था, इस फिल्म ने लगभग 11 करोड़ फास्ट एंड फ्यूरियस ने शुक्रवार को भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन कर लिया था। तो दोस्तों अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने अभी तक लगभग 34 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर चुकी है फास्ट एंड फ्यूरियस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब फास्ट एंड फ्यूरियस 7 आया था तभी भी इस फिल्म ने भारत में अपना रिकॉर्ड तोड़ा था, अपनी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ चुका था दोस्तों। तो शायद यही रीज़न है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के वजह से बेगम जान की कमाई बहुत ही लूज हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के टिकट पर लगभग 50% का कैशबैक मिल रहा है। अगर आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं दोस्तों तो मैक्सिमम जो कैशबैक होगा वो 150 होगा, बट दोस्तों आपको कम से कम 2 टिकट बुक करना होगा तभी आपके लिए ऑफर है। यहाँ पे मैं आपको टिकट का कोड बता देती हूँ, फास्ट 150 ये टिकट का कोड है, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जहाँ से जाकर आप अपना टिकट का बुकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।